गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज हम लोग अभी पूजा देखने जा रहे हैं जो बिल्कुल हमारे घर के पास है, लेकिन ये हमारी छोटी सी प्रिंसेस ये अभी सो गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं इसको कैसे लेके जाए। तो स्ट्रॉलर भी लेके नहीं जा सकती, इसको गोदी में उठाना पड़ेगा। कैसा अजीब सा आ रहा है, देखो लाइट कम है, यहाँ पे लाइट बहुत कम है। हमारे घर के बिल्कुल ही पास एक होटल के अंदर ये पूजा हो रहा है। हम लोग चाहते तो चल के जा सकते थे, लेकिन हमारी बेटी सो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक टैक्सी पकड़ लेते हैं। और वैसे भी अगर चल के जाऊँगी तो बाहर उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन चलने के बाद थोड़ा पसीना भी आ जाता है, तो मेकअप भी ख़राब हो सकता है। ये हम पहुँच गए हैं बिल्कुल सफ़ीर मॉल के साइड में, ये पूजा हो रहा था। यहाँ पे आके ना दुर्गा प्रतिमा देख के दिल खुश हो गया। पिछले साल जब हम पूजा देखने गए थे वहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं था, बस कुछ दुर्गा माँ का फोटो था, उसको बहुत अच्छे से प्रिंट किया था उन लोगों ने। एक्चुअली गाइस, यहाँ पे मूर्ति लाके पूजा करना काइंड ऑफ लग्जरी है, क्योंकि इंडिया में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे मिलना तो इम्पॉसिबल है, इंडिया से ही लाना पड़ता है और इंडिया से लाने का खर्चा जो है वो बहुत है। जब हम लोग पहुँचे तो सबको आरती मिल रहा था, तो हम लोग तो बहुत खुशनसीब है, हम लोगों को आरती भी मिल गया और उसके बाद पूजा भी तब चल रहा था। थोड़ी देर हम लोग खड़े होके पूजा देख रहे थे, उसके बाद हम लोग सब नीचे बैठ गए और बहुत अच्छे से पंडित जी पूजा कर रहे थे और हम लोगों ने मंत्राचरण भी किया और ये मैं बैठ गई हूँ। सौरभ भी बैठा था लेकिन अभी उसको पीछे जाना पड़ा क्योंकि हमारी बेटी रो रही थी। छोटे से हॉल के अंदर ये पूजा हो रहा है। छोटा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दुर्गा पूजा के लिए एक्चुअल में ये स्पेस जो है वो कम ही है, क्योंकि सब लोग अगर यहाँ पे आ गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगा, फिर सब यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। वैसे भी ये हॉल जो है वो ऑलमोस्ट फुल था और मुझे तो ओवर क्राउडेड भी लग रहा था, लेकिन अब पूजा है, हर कोई यहाँ पे आ रहा था। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे चंदा दिया है आपने या फिर आप यहाँ के मेंबर हो तो ही आप आ सकते हो, ये सबके लिए ओपन था, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। और सबको यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था और बहुत अच्छे से पूजा हो रहा था। पूजा देख के तो पूरा दिल खुश हो गया। अभी सौरभ कैमरा पकड़ा हुआ था और उसके गोदी में थी हमारी बेटी, तो आप लोगों ने सुना होगा पीछे से वो भी ओ ऐसे कर रही है। वो तो अभी ठीक से बोल नहीं पाती, शायद वो भी मंत्र सुन के बोलने की कोशिश कर रही होगी। और जैसा कि मैं कह रही थी कि मुझे तो यही लगता है कि ये हॉल भी छोटा है पूजा के लिए। देखिए एकदम पीछे तक पूरा लोग जो है पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। और हमारी बेटी वैसे भी बाहर के लोगों को देख के ना रोना शुरू कर देती है, उसको उतना क्राउड वगैरह पसंद नहीं है। ठीक है, वो बाहर जाती है लोगों को देखती है, लेकिन उसके
आसपास अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जाके ना वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और इस वजह से सौरभ उधर बैठ भी नहीं पाया। मैं अकेली ही बैठी थी, सौरभ थोड़ा कोने में खड़े होके सब कुछ कैप्चर भी कर रहा था और उसको संभाल रहा था। ये है भगवान कार्तिकेय, ये है देवी सरस्वती, ये है माँ दुर्गा, और नीचे असुर भी है, ये है माँ लक्ष्मी, ये है गणपति देव। जिन्हें बंगाली रिचुअल के बारे में पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा होता है, ये तो हम सभी को पता है। जो नॉन बंगालीज लोग हैं वो तो माँ दुर्गा को पूजते ही हैं इस वक्त, लेकिन हम बंगाली लोग ना, हम मानते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो हमारी घर की बेटी है, और ये दुर्गा पूजा के वक्त वो अपने मायके आ रही है। तो जब हम लोग मायके जाते हैं तो साथ में हमारे बच्चे को भी तो साथ में लेके जाते हैं ना, तो हम लोग इसीलिए माँ दुर्गा के साथ उनके दो बेटे कार्तिकेय गणेश और उनकी दो बेटी लक्ष्मी और सरस्वती देवी को भी पूजा करते हैं। हम मानते हैं कि माँ दुर्गा अपने बेटे बेटियों को लेके अपने मायके आई है 4 दिनों के लिए। यहाँ पे आने के बाद हमारी छोटी सी उमा तो पहले रो रही थी, लेकिन जब डांस शुरू हुआ ना तब उसको मज़ा आने लगा और उसका मूड भी ठीक हो गया। और हमारी छोटी सी बेटी को ना ये डांस म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी अभी एंजॉय कर रही है। दुर्गा पूजा के वक्त अगर ढाक ना बजे ना, तो मान लो कि दुर्गा पूजा जो है वो अधूरा है। दुर्गा पूजा का पूरा वाइब इसके आवाज़ से आता है। और यहाँ पे हमने किसी से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों का थोड़ा पिक्चर और वीडियो लेके दीजिए। दुर्गा पूजा के वक्त हर साल मैं और सौरभ कोलकाता को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि कोलकाता में जैसे दुर्गा पूजा होता है वैसा तो मतलब कहीं और हो ही नहीं सकता। मैं तो कहूँगी पूरे इंडिया में शायद सबसे अच्छा दुर्गा पूजा जो है वो कोलकाता में ही होता है। कोलकाता का जो कुछ चीज़ें फेमस है उसमें एक है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता जाना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग कितना ज़्यादा मिस करते हैं। बचपन से हम लोग वहाँ पे बड़े हुए हैं, और अब जब कोलकाता नहीं जा सकते दुर्गा पूजा के वक्त, तो कैसा फील होता होगा।
पिछले साल जब मैं दुर्गा पूजा में गई थी, सप्तमी में और अष्टमी में गई थी, अष्टमी के दिन रात से ही मुझे हल्का हल्का पेन होना शुरू हुआ। नवमी को पूरा लेबर पेन आ गया था और विजयादशमी के दिन हमारी छोटी सी उमा आ गई इस दुनिया में। तो हमारी छोटी सी उमा का भी ये पहला दुर्गा पूजा है और ये मेरे और सौरभ के लिए बड़ा यादगार दुर्गा पूजा है। ये पहला दुर्गा पूजा है जो हम अपने बेटी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब वो आई थी तब तो ऑफिशियली दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका था, विजयादशमी के दिन वो पैदा हुई थी। और ये अभी कैप्चर हो रहा है तो जब बड़ी होगी तब वो देख पाएगी कि उसने अपना पहला दुर्गा पूजा कैसे मनाया था। और अभी हम लोग जाने वाले हैं, जाने से पहले मैं माँ दुर्गा को फिर से देख रही हूँ। अब थोड़ा क्राउड भी कम हो गया है क्योंकि रात हो गया है ना, पहले तो सामने से देख भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और माँ दुर्गा को देख रही थी और हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही थी कि माँ सबको अच्छा रखना, सबको अपना आशीर्वाद देना। पूजा हॉल से निकल के हम लोग अभी रिसेप्शन में आ गए हैं होटल के, और ये देखिए ये है प्रसाद, ये प्रसाद भी मिला है। आज हम लोग स्ट्रॉलर लेके नहीं आए क्योंकि हमें पता था स्ट्रॉलर लेके हॉल के अंदर जा नहीं पाएंगे, फिर स्ट्रॉलर को रखना और एक झमेला हो जाएगा। तो अभी बेटी को भी उठाना है, प्रसाद भी उठाना है और फिर चल के जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डांस कर करके पैर भी दुख गया था। तो जैसे आते वक्त टैक्सी में आ गए थे, जाते वक्त भी वैसे ही टैक्सी में ही चले जाएंगे। वैसे भी घर जाके फिर से बहुत सारे काम हैं, छोटे से बच्चे के माँ बाप को फुर्सत कहाँ होती है, बस पूजा में आए थे, घर जाके फिर नॉर्मल ड्यूटी चालू हो जाएगी। अभी जाके इसको खिलाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, वैसे भी इसको नींद आ रही है, एक बार सो गई तो इसका रात का खाना भी स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए सौरभ इसके साथ खेल रहा था ताकि ये जगी रहे, घर जाके तुरंत मैं इसको खिला दूँगी, उसके बाद ये सो जाएगी। सो गाइस, आज का ये व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।